हाँ सुनो। चले करे ना सुनो समझा के। लिख तो लिया ही ना क्या? कल कौन कौन आया था क्लास में? दे दो कल परसों मतलब कि हाँ कौन कौन आया था? था तो ये तो लिख लिया था। सोनू तुम नहीं आया था ना कल? हाँ ये मैं परसों हाँ ये मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूँ ठीक है। परसों मैं भी आया शब्द विचार की। शब्द विचार क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अक्षर कैसे बनता है बता रही था, इसकी न्यूनतम इकाई शब्द है, शब्द से ये वो है ना, मैंने बताया था सारी चीज बताई थी। तो चले ओए, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही? रिलैक्स ना हो। चलिए फिर शुरू करते ना। देखो आज कल हमने जहां तक पढ़ा था, कल का देखो क्या पढ़ा था, जल्दी देखो परसों का, परसों से पढ़ने वाले दिन जिस दिन आए थे। शब्द विचार का पहला टॉपिक क्या था? शब्द की परिभाषा, न्यूनतम इकाई उसकी क्या है, वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द होता है, शब्द का न्यूनतम सबसे छोटा वो क्या होता है, अक्षर होता है, अक्षर मैंने बताया था ठीक है, ये सारी चीज होती है। आज उसके आगे हमने उस दिन देखा था कि उसके हमने प्रकार देखे थे, तो उसमें ये बताया गया था कि उसमें शब्द जो थे उसमें क्या बटे हुए थे, जैसे तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, देशज शब्द कौन से हैं, विदेश राज्य शब्द कौन कौन से, ठीक है ये देखेंगे अपन कि देशज विदेशज ये शब्द कौन कौन से हैं। तो आज हम इसकी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी में तद्भव शब्द, क्या देखेंगे? हिंदी में तद्भव शब्द, तद्भव शब्द इसकी परिभाषा देखेंगे ठीक है, कि क्या होता है, फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है हिंदी में, क्या लिखा है? हिंदी में जो शब्द संस्कृत, संस्कृत पता है ये भाषा है ठीक है, मान पुराने संस्कृत से जो के त्यों, जो के त्यों मतलब क्या होता है, जैसे कि जैसे, जैसे उसी तरीके से है। ओए आवाज क्यों आ रही है, क्या दिक्कत क्या है बताओ, तो चुपचाप अपना आप लिखो, शोर मत करो, नहीं समझ नहीं आएगा बड़े बच्चों को क्या। हाँ शोर मत करो ठीक है। देखो फिर से तत्सम शब्द, हिंदी में जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों मतलब जैसे ही सेम तरीके से ठीक है, जो के तो ग्रहण मतलब क्या होता है, ले लिया गया, क्या ग्रहण कर लिया गया है, तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ और उसमें बोलने के तरीके में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखो जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, वानर आदि। ये वानर मतलब क्या होता है? बंदर। गुड। और मयूर मतलब? मोल। अमूल्य मतलब क्या होता है? मोल। जिनका कोई अमूल्य ना हो, अमूल्य है, जिसको हम खरीद नहीं सकते। जैसे अब समझो कि खुशी, क्या खुशी को हम खरीद सकते हैं? कोई दुख है किसी के पास, गम है तेरे जैसा, तो तू खुशी खरीदना चाहते खरीद सकेगा? नहीं खरीद सकेगा। ऐसे ये चीजें जो होती है ये अनमोल होती है, कोई इन्हें विद्या है, पढ़ाई है, तो क्या पढ़ाई खरीद सकता है? नहीं। हाँ भाई इधर देखो, इधर बताओ, अगर तुम लोग क्या कोई पढ़ाई खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता, कितनी भी कोशिश करे। तुम पढ़ोगे तुम्हारा अलग पढ़ने का तरीका है, उनका पढ़ने का तरीका अलग है, आप यहाँ खड़े हो जाओगे। अगर पढ़ाई खरीदने का होता तो सब खरीद लेते, लेकिन वो सब कोई खरीद नहीं सकता, वो क्या है, अमूल्य है, उसे कोई उसका कोई मूल्य नहीं है ठीक है, समझ गए। चलो दूसरा देखते हैं तद्भव, क्या तद्भव? तद्भव तत्सम शब्द से समय और परिस्थिति, समय क्या है, समय और परिस्थिति, परिस्थिति क्या होती है, जैसे कि गरीबी। क्लास में आ गए है मम्मी, क्लास में आ गए, यहाँ से गए आप निकल ठीक है, चलो कोई नहीं, हम घड़ी में क्लास करते हैं तो हमारी मम्मी निकल के आ गई ठीक है। समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होए,
यार कितनी देर से कह रहा हूँ शांत रहो क्यों बाबू क्यों करते हो ऐसा? तुम पे डंडा उठेगा, सही बता रहा हूँ, सब लोगों पे डंडा उठेगा। शांति से काम करो कि आवाज ना आए, ठीक? नहीं तो यहाँ डिस्टर्ब होता है। देखो सबसे ध्यान से सुनो, तद्भव शब्द तत्सम, शब्दों में से समय और परिस्थिति परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण आग, मोर, बंदर, चांद आदि। अब ये बताओ कि परिस्थिति क्या होती है? जैसे घर की परिस्थिति, परिस्थिति होती है सिचुएशन, इंग्लिश में बोलते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या रही होगी, उसकी परिस्थिति क्या रही होगी। अब जैसे कोई कोई रहता है, सपोज करो कोई छोटे से उठ के कोई बड़े पद पे चला गया, या उसने मेहनत करी अच्छी और आगे बढ़ गया, तो उसका ये रहता है कि वो किसान होके कितना मेहनत करता है, घर में रहकर भी उसने पढ़ाई करके आज वो कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, उसकी परिस्थिति थी। समय समय हमेशा बदलता रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, कल कुछ और था, ठीक है, कल कुछ और था, ठीक है, आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और था, जो आज था वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज, ठीक है? तो वो होता है समय। तो हम उसी चीज को देखते हुए समय के साथ में जो चीज बदलते रहे वही हो गया परिस्थिति में आ गया। तो इसमें मैंने बताई दिया जैसे समय के साथ साथ आग, मोर, वानर, चांद आदि। अब देखते हैं देशज, क्या देखते हैं देशज शब्द, देशज शब्द शब्द से ही पता चल रहा है देशज, देश के शब्द, देश के शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति का मतलब होता है जिस तरह की उत्पत्ति, उत्पन्न होना, कि उनकी जिनकी उत्पत्ति हमारे देश की भाषा से हुई है उसे देशज शब्द कहा जाता है। उदाहरण जैसे दुआ, दुआ समझते हो, दुआ ये हमारे देश का ही शब्द है, हमारे देश से उठा, हमारी भाषा से उठा, ठीक है, क्या दुआ, लोटा आदि, ठीक है। दूसरा देखो विदेशज, विदेशज शब्द विदेश से पता चला, जो दूसरे देशों से दूसरे शब्दों से ग्रहण किया गया है, वो सारे कौन से होते हैं विदेश शब्द, जो दूसरे भाषा है दूसरे देश से ग्रहण कर जाता है। देखो देश शब्द दूसरे शब्द, दूसरे भाषाओं से आए शब्द शब्द विदेश शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण जैसे अलमीरा, ये हमारा यहाँ का शब्द नहीं है, विदेश का शब्द है, ठीक है, अब दूसरी भाषा या दूसरे देश से हमें लिया गया है, ठीक है। आल्पीन, आल्पीन देखा है, ये सारे नहीं, ये भी विदेश के, ये मतलब दूसरे भाषा से ही लिया गया, ठीक है। तो हमने कहा था पहले बताने से कि हमारी भाषा में उर्दू, फारसी, ये सारे शब्द संस्कृत मिलके नई भाषा बनी है हिंदी, ठीक है। तो वो चीज जब आप इसी लिए पढ़ा रहे ताकि तुम्हें पता चले कि कौन से हमारे शब्द है, कौन से बाहर से आए, कौन से बाहर से आए, ठीक है। और एग्जामिनर कैसा देगा, वो कह देगा इनमें से कौन सा विदेश शब्द नहीं है, क्या कहेगा इनमें से कौन सा विदेश शब्द शब्द है, ठीक है, और उसमें से एक दे देगा आप भी कौन सा है, देशा या विदेशा, तो विदेशा। देखो रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, कितने, तीन प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्द बता रहा हूँ। देखो तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत से जो के त्यों उठा लिए गए, ठीक है, और तद्भव शब्द क्या है, जिनको समय के साथ बदल दिया गया है, ठीक है, ठीक है। आग, ठीक है, अमोल, अगम है वो, आग, नाग, विवाह, भाई, देखो अगमय, अमूल्य, आम, नासिका, विवाह, भ्राता, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हिंदी शब्द है, यानी कि जैसे मयूर ये सारे आएंगे भैया भाई, ठीक है, शायद होगा, ठीक है। देखो तत्सम शब्द संस्कृत वाले हो जाते हैं, तद्भव हो जाता है आपका
हिंदी वाले समझ जाते हैं, ठीक है। जो निकल संस्कृत में ये था, हिंदी में हमने ये ले लिया, ये इसमें तद्भव में ये था, समय का हमने ऐसा परिवर्तन कर दिया, अम्र का आ कर दिया, नासिका का नाक कर दिया, ठीक है। ये भ्राता संस्कृत शब्द है भ्राता। रामायण देखिए, रावण कहता नहीं, अपने रावण को कहते हैं, उसके जो भाई कहते हैं भ्राता श्री, तो वो होता है संस्कृत। बोलो नहीं, जैसे प्रहलाद में बोलता है वो भ्राता श्री, हाँ, भ्राता श्री। वो अपने भाई को बोलता है, ठीक है, समझ में आया। कल दूसरी क्लास, फिर आगे कंटिन्यू चलिए, ठीक। होली चौबीस होली में कहाँ होगी, रंग कौन कौन खेलेगा? सर तुम खेलते हो? सर मैंने स्कूल में खेले थे सर के साथ।